नमस्कार, स्वागत है आपका सी राजस्थान में और मैं हूँ आपके साथ सताक्षी स्वामी। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। ये बड़ी खबर आ रही है बारा से, जहाँ विधायक पालाचंद मेघवाल ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। आपको बताते हैं कि जालौर में ये घटनाक्रम बताया जा रहा है, खुद को बहुत आहत बताते हुए उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। आपको बता दें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उन्होंने इस्तीफा भेजा है पालाचंद मेघवाल ने। तो अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ राम मेहता जुड़ गए हैं। राम मेहता जी, क्या पूरा मामला है? बताना चाहूंगा ये पूरा कांग्रेस ने बताया गया पालाचंद मेघवाल जो कि अटकू 12 विधानसभा से आते हैं, आज इन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया और अशोक गहलोत को पूरा पत्र लिख के इन्होंने आरोप लगाए कि जिस जालौर में जो एक दलित छात्र के साथ में घटना है उसकी मौत होती है, लेकिन उसको मैं आहत हूं और मैं इस्तीफा अपना देना चाह रहा हूं और मैं बिगर विधायक के लिए अपना समाज के लिए और अपने उस काम समाज सेवा के लिए काम करता रहा हूँ। इस तरह के इसने पत्र लिखा पालाचंद मेघवाल एमएलए ने पत्र लिखे और अशोक गहलोत को पत्र लिखकर पालाचंद ने इस्तीफा दिया। तो इस्तीफे के बाद आगे का क्या उनका रहेगा, मतलब चीजें आगे की क्या रहेंगी? जी बिल्कुल, जिस तरह उन्होंने जो रणनीति जो पत्र में बताई गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो पत्र लिखा उसमें इन्होंने लिखा है कि मैं विधायक पद पर इस्तीफा देता हूँ और फिर उसके बाद में समाज सेवा दलित वर्ग के लिए काम करना चाहता हूँ, जिस तरह अत्याचार हो रहा है उसकी लड़ाई में लड़ूंगा। इस तरह उन्होंने पत्र में लिखा है और अपने आप में आहत महसूस किया है, जो जालौर की घटना हुई दुखद घटना है, सरकार ने इनके खिलाफ में अभी तक उचित कार्रवाई नहीं की गई, उचित मुआवजा नहीं दिया गया और होते भी इसको न्याय नहीं मिलता। इस तरह के उन्होंने पत्र में लिखा है और अपनी पत्र लिखा है और इस्तीफा उन्होंने दिया। इस्तीफा उन्होंने दे दिया है और वो बोल भी रहे हैं कि आहत है तो तो पालाचंद जी हमारे साथ इस समय मौजूद है। पालाचंद जी, आपने इस्तीफा दिया है और आहत होके इस्तीफा दिया है। बिल्कुल साहब, जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही और कांग्रेस की सरकारें, जिस प्रकार से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 75 साल पहले एक संविधान का निर्माण किया था और उसमें दलित समाज जो लंबे समय से शोषित होता हुआ आ रहा था उसको बराबर का दर्जा देने के लिए संविधान के अंदर अधिकार दिए गए थे, लेकिन जिस 75 साल की आजादी का जश्न हम लोग मना रहे हैं, हर घर तिरंगा है, हर हाथ तिरंगा का जश्न मना रहे हैं और आज भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान डेल्टा बैंड की हत्या की गई, दागियावाज जैसा बड़ा नरसंहार किया गया, अभी कुछ महीनों सालों पहले इंद्र मेघवाल जो बूथ रखता था उसके नाम पर उसकी हत्या की जाती है, अभी जो इंद्र 9 साल का इंद्र जो मटके से पानी पीता है उसकी हत्या कर दी जाती है। तो एक तरह तो हम आजादी का 75वां जश्न मना रहे हैं और एक तरफ दलित का बेटा आज भी अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है, उसकी जमीनों पर कब्जा किए जा रहे हैं, सरकार के द्वारा कानून बनाए जाते हैं लेकिन उन कानूनों की पालना नहीं हो पाती है। पालाचंद जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।